क्लास 9 का अगला टॉपिक कौन सा पढ़ने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, कि एक पॉलिनोमियल को किस तरह से लिखा जाता है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? हेलो मेरे टॉपर्स के गैंग, मैं अमिताभ देवांगन लक्ष्य कोटे एकेडमी से एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूँ। तो क्लास 9 का अगला टॉपिक कौन सा पढ़ने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का। तो चलो एक बार फिर से याद दिला दूं मैं आप लोग को कि एक पॉलिनोमियल को किस तरह से लिखा जाता है। अगर कोई पॉलिनोमियल है और इस तरह से मान के चलो 3x² + 2x + 9 अगर है तो ध्यान से देखो, इसमें 3 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, 9 कांस्टेंट और x वेरिएबल। तो यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल है, इस कारण से इसको इस तरह से एक पॉलिनोमियल को लिखा जाता है, जो कि मैंने आप लोग को बार बार बता दिया है। ठीक है बच्चों, तो मुझे क्या बोलेगा, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो एट x = 1 पे। हमें क्या करना है, x की वैल्यू बस पुट कर देना है। चलो पुट करते हैं, p x के जगह पे 1 हो जाएगा, 3 × 1² + 2 × 1 + 9 क्या हो जाएगा बच्चों, 3 × 1² यानी 1 और 2 × 1 = 2 और ये 9 एज इट इज आ जाएगा, 3 × 1 = 3 + 2 + 9 क्या हो जाएगा बच्चों, 11 और 3 + 11 कितना हो जाएगा बच्चों, 14। हाँ बिल्कुल यही आंसर है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल की वैल्यू दिया हुआ उसको पुट कर दो। आया समझ में? तो इसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसी से कनेक्टेड एक और टॉपिक बताऊं मैं आपको, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अगर कोई ऐसी वैल्यू एक्स का पुट करते हैं, समझ में आ रहा है बच्चों, कोई ऐसी वैल्यू एक्स का पुट करते हैं जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, तो एक्स की उस वैल्यू को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। चलो उसको भी करके देखते हैं। तो सपोज एक पॉलिनोमियल दिया है बच्चों, ये मान लो px = x - 2 है ना, इसकी वैल्यू निकालना है एट x = 2 पे, एट x = 2 पे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब वही यार, हाँ हर x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, हाँ बिल्कुल 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जब आंसर 0 आएगा तो x के वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। आया क्या समझ में बच्चों? हाँ, तो एक पॉलिनोमियल के क्या एक से ज्यादा जीरो हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं यार, कैसे, चलो करके देखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। अब मैं ऐसा क्यों मैं इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि ये है, ठीक है, सपोज px = x² - 4। ठीक, अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि जब x = +2 पुट करते हैं और इसके अलावा x = -2 पुट करते हैं तो दोनों केस में क्या आंसर जीरो आता है। चलो करके देखते हैं यार, p और x की जगह पे एक बार प्लस टू पुट करते हैं, तो ये प्लस टू लिख दिया बच्चों, ये प्लस टू का स्क्वायर हो जाएगा -4 और प्लस टू का स्क्वायर क्या होता है, 4 - 4 जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब -2 पुट करके देखते हैं, -2 तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर -4। माइनस का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, प्लस होता है ना, 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4 होता है, तो +4 - 4 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां पर से हम लोग को एक देख एक चीज समझ में आया कि एक पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा जीरो हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो होप ये समझ में आया होगा, इसका अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं बहुत जल्द।